संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सदाशिवपेट मंडल में आज रहमत नगर की आवाम ने 5G नेटवर्क को लेकर प्रोटेस्ट किया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पे इस मकसद से पूरे लोग जमा हुए हैं, पब्लिक लोग, कि ये टावर एयरटेल का टावर बगैर बोले किसी को इंटीमेशन नहीं देते, रात ही रात काम चल रहा, रात में काम चल रहा और किसी को मालूम नहीं। हालांकि यहाँ पे जितने लोग रहते हैं आजू बाजू पूरे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं और लैब्स हैं, आप देख सकते हैं आजू बाजू में। ये टावर्स के वजह से दूसरे महलों में डालने नहीं देने के वजह से ला के बस स्टॉप में डाल दे के लोगों को परेशान कर लें। बोलने का मकसद ये है कि किसी को इंटीमेट तो भी करना, आरटीसी डिपार्टमेंट होंगे या बल्दिया में कोई अगर इन्हें लेटर दिए तो बल्दिया वाले कोई इन्फॉर्म करना, कुछ इन्फॉर्म नहीं करते हुए पूरा टावर डाल दे के पब्लिक को, आम पब्लिक को परेशान कर दे। आजकल रेडिएशन बोले तो बहुत लोग डर रहे हैं रेडिएशन से, ब्रेन ट्यूमर हो जा रहा और प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम हो रही, कैंसर इफेक्ट हो रहा, हाँ हार्ट प्रॉब्लम हो रहा, तमाम चीज़ें क्या है रेडिएशन से। आप देख सकते हैं फ़ोन वाइब्रेट हुए तो जिसम में वाइब्रेट आ रहा, पूरे टाइट हो जाते, उसकी वजह से बीमारियाँ फैल जा रहे हैं। भाई यही हमारे आवाम जितने भी वार्ड मेंबर्स है, जितने भी आजू बाजू बस स्टॉप है या और एक क्या है बोले तो वो प्लेसेस जो कमर्शियल प्लेस समझ के डाले, पब्लिक सेक्टर है जो आरटीसी है, या कई नमूने के आदमी आते, कैंसर पेशेंट आते, प्रेग्नेंट आते, कई नमूने के बीमार लोग आते डिजीजेस के, उनको भी बहुत इफेक्ट होता। हम इसीलिए डीएम साहब से और आरएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहे कि आप इसके सख्त सख्त कार्रवाई करें और हमको न्याय करें और ये टावर का काम रोक दीजिए, क्योंकि पब्लिक को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। पब्लिक को सेफ प्लेस में रखना, हेल्दी रखना आप लोगों का काम है। ये आपको देख ले, बोलने का मतलब ये है, क्योंकि हम अगर बात करें तो ये टावर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो नहीं होता, टावर से प्रॉब्लम होता नहीं होता, हमारे मीडिया के भाई को भी मालूम है। इससे पहले टीवी में रेडिएशन के बारे में आया था, कई लोग परेशान थे ये रेडिएशन बोलने वाले, किसी को नहीं मालूम था, जब प्रेस में आने के बाद टीवी में आने के बाद ये सब चीज़ें मालूम है। हम सबसे अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट वालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो टावर डाले उनके ऊपर एक्शन ले और उससे सख्त से सख्त कार्रवाई क्या है, ये टावर का काम रोक दीजिए और यहाँ से टावर निकाल देना। हम इंशाल्लाह कल कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे, लेटर सबमिट करेंगे और ये पूरे दूसरे महलों में से हमारे पास ट्रांसफर करना अच्छी बात नहीं है। जहाँ बिल्डिंग पे डाल ले रहे वहाँ नक्को बोल के लड़ा तो वहाँ से इधर आ रहे उधर आ रहे, आप डाल रहे तो आउटस्कर्ट में डालिए टावर का फ्रिक्वेंस बढ़ा के, कोई नक्को बोल के तो नहीं बोलता, टेक्नोलॉजी को तो नहीं रखता ना। जब हम नहीं रहे तो टावर, हम अगर हमारे को प्रॉब्लम हुआ तो टावर रह के क्या फ़ायदा, टावर से चार लोगों को फ़ायदा होना बोलते तो आउटस्कर्ट्स में डालना ज़रूरी है। तमाम मीडिया के लोगों को और हमारे वार्ड के मेम्बरों को सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आउटर स्टैंड वालों को भी बहुत तकलीफ है ये, इससे लोग परेशान होते रहते हैं, यहाँ से बीमार आते रहते हैं, देख के दूर दूर चले जाते रहते हैं। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सब मीडिया वालों से यही अदबत गुजारिश है कि हर किसी के पास ये मैसेज पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। संबंधित ఏ టవర్ అయితే చేసేదో దీనికి నేను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఎవరికి ఎలాంటి సమాచారం లేకుండా ఇది ఖచ్చితంగా ప్రజలపై, చిన్నపిల్లలపై, బాలింతలపై ఖచ్చితంగా దీని ప్రభావం పడుతుంది. ఎవరికి ఎలాంటి సమాచారం లేకుండా సంబంధిత అధికారులు ఎవరిని చెప్పకుండా రాత్రికి రాత్రి కౌన్సిలర్ కూడా చెప్పకుండా ఏదైతే ఏదైతే నిర్మించేదో దీన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాము. ఖచ్చితంగా దీనికి తొలగించాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దీని గురించి ఏదైతే ఇక్కడ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, దీనిపై ఆరోగ్య నిపుణులు కూడా ఏం చెప్తారంటే ఖచ్చితంగా దీనిపై ప్రభావం పడుతుందని చెప్తారు. అందుగురించి మేము సంబంధిత అధికారులకు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా దీని గురించి కలెక్టర్ గారిని కూడా కలవడం జరుగుతుంది, మున్సిపల్ కమిషనర్ ఫిలాసిపేట్, అదేవిధంగా ఎంఆర్ఓ గారిని కూడా కలిసి మేము వినతి పత్రం ఇస్తాం. ఖచ్చితంగా దీన్ని తొలగించాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తాం.